हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेलवे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और सही सही क्या करना वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे जुड़े रहे लास्ट तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों, इसमें लिखा गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक रेलगाड़ी के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। ये दोस्तों RRV का प्रश्न है। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी है जो कितना लंबाई है 100 मीटर क्या है दोस्तों, ये लंबी है। बोला है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चालू जाते खड़े व्यक्ति को, मान लीजिए कि ये क्या है, एक व्यक्ति है जिसको क्या करना है, रेलगाड़ी को पार करना है। ये मान लीजिए क्या है, एक व्यक्ति है जो रेलगाड़ी को क्या करेगा, रेलगाड़ी इसको क्या करेगी, पार करेगी। कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ से पार करना क्या करेगी, शुरू करेगी, और पिछला पॉइंट जब यहाँ पे आएगा और अगला पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये पूरा तरह से क्या करेगा, उस व्यक्ति को पार कर लेगा। तो सिंपली दोस्तों क्या है, दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेलगाड़ी की जो दूरी होगी दोस्तों, वही दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, मतलब कि वही कुल दूरी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही कुल दूरी होगी। यानी कि दूरी दोस्तों अगर हम देखते हैं डिस्टेंस इसमें, तो डिस्टेंस दोस्तों 100 मीटर है, क्या दिखा रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस है। जबकि दोस्तों चाल अगर देखते हैं, यानी कि स्पीड अगर हम क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं, तो स्पीड है दोस्तों कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या है, स्पीड है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो सिंपली 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, दो बार में गुना करेंगे, ये 10 क्या हो गया, 10 मीटर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो दोस्तों स्पीड निकल गया और दूरी है, तो क्या निकालना है दोस्तों, बोला कि कितनी देर में पार करेगा, देर यानी कितना समय दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है। तो समय दोस्तों निकालना है, तो समय निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, टाइम बराबर दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे स्पीड यानी कि चाल। तो सिंपली इसको देखेंगे, 100 मीटर है दिया गया दोस्तों और 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसको मीटर पर सेकेंड में हम चेंज किए हुए, तो 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है दोस्तों। रेलगाड़ी की लंबाई सिग्नल को पार कर रहा है, फिर भी वही बात है, एक पोल है, मान लीजिए क्या है, एक खंभा है जिसको दोस्तों क्या करता है, रेलगाड़ी जो है इसको क्या करती है, पार करती है, रेलगाड़ी क्या करती है, इसको पार करती है। तो रेलगाड़ी दोस्तों जब पार करना शुरू करेगी, तो यहाँ से दोस्तों शुरू होगा दूरी और यहाँ तक क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये अगला पॉइंट दोस्तों क्या आ जाए, यहाँ आ जाए और पिछला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो दूरी खत्म हो जाएगी। और शुरू जब करेगी तो अगला पॉइंट क्या रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए और पिछला पॉइंट यहाँ पे रहना चाहिए, तो खत्म हो जाएगी। तो सिंपल दोस्तों, दूरी जो दिया गया है, डी मेरे को दिया गया है, वो कितना दिया गया दोस्तों, 250 मीटर। और जबकि समय जो दिया गया है, समय दोस्तों यानी टाइम दिया गया कितना सेकेंड, 15 सेकेंड टाइम दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। स्पीड अगर निकालना है तो ये रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 250 मीटर। तो दोस्तों स्पीड निकालना है, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो निकाल लेंगे टाइम। इसको दोस्तों कट करेंगे तो 50/ क्या आ जाएगा दोस्तों, 3, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दोस्तों यहाँ किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड, जबकि आंसर दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में सभी ऑप्शन। तो दोस्तों इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 50/3 को किससे गुना कर देंगे दोस्तों, 18/5 से इसको अगर गुना करते हैं, तो ये क्या होगा, 10 बार में ये कटेगा, इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, यानी दोस्तों अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, 10 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबी पुल को कितने समय पार करेगी। ये दोस्तों RRV क्या है, रेलवे का है। तो सिंपली रेलगाड़ी इतना मीटर लंबी है, रेलगाड़ी जो है कितना मीटर लंबी है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई देखते हैं तो 171 मीटर क्या है, लंबी है। जबकि एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 229 मीटर है, क्या है, 229 मीटर है। बोला रेलगाड़ी जो है
प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, रेलगाड़ी अपना पूरा दूरी तय करेगी, उसके बाद रेलगाड़ी जब इधर आ जाएगी, ये हो गया रेलगाड़ी, तो फिर क्या होगा, ये तो पूरा अपना पार करेगी, प्लस क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, वो पुल क्या होगा, दूरी हो जाएगा। पहले क्या होगा, खुद को पार करेगी और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि पिछला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको क्या कर पाएगी, पार कर पाएगी। यानी क्या हो गया, दूरी जो दोस्तों अगर हम देखते हैं, डिस्टेंस जो देखेंगे, वो 171 प्लस का क्या हो जाएगा, 229, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 400, ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये 400 मीटर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला, कितने समय में पार करेगी, चाल दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या देगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये मीटर में है, तो इसको पहले क्या करेंगे, चाल स्पीड दिया गया कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको दोस्तों हम पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, यानी कितना, छोटा में जाएंगे, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, बड़े वाले को नीचे रखेंगे, इसको काटेंगे दोस्तों, 9 बार में कटेगा ये, 2 बार में कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 × 2 = 18, 9 × 5 5 बार में दोस्तों कटेगा, सॉरी, तो 25/2 क्या हो जाएगा, 2, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी बटे स्पीड होता है, तो दूरी बटे स्पीड लिखेंगे, बराबर लिखेंगे दूरी कितना, 400 मीटर बटे 25/2 लिखेंगे, 25/2 इसको क्या करेंगे, 400/25 और ऊपर गुना में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको काट करेंगे दोस्तों, क्या हो गया, 8/5 क्या हो जाएगा, 40 और 25 फिर काटेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 16/5, तो 16 गुना क्या बचेगा, लास्ट में 2, तो 16 गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 32, यानी सिंपली दोस्तों 32 जो होगा, 32 सेकेंड क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चंस का क्या होगा, राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा, 32 सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें बोला 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 18 सेकेंड है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, रेलगाड़ी की चाल बोला समान लंबाई की, यानी कि अगर रेलगाड़ी दोस्तों क्या है, रेलगाड़ी अगर 180 मीटर का है, तो प्लेटफॉर्म भी क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर का है, तो फिर भी रेलगाड़ी को पार करने में यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, ये जब चलते 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 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और छोटे वाले पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म को क्या कर पाएगी, पार कर पाएगी। तो सिंपली दोस्तों अगर हम दूरी देखते हैं, दूरी देखते हैं, तो 180 प्लस का क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कितना, 360 मीटर क्या हो गया, दूरी हो गया, और समय दोस्तों क्या हो गया, 18 सेकेंड, टाइम जो दिया गया कितना सेकेंड, 18 सेकेंड। तो बोल रहा है कि इसमें कि चाल कितनी है, चाल कितनी है, तो स्पीड बराबर दोस्तों क्या करेंगे, स्पीड बराबर अगर निकालना रहे तो दूरी बटे चाल, यानी कितना, 360 मीटर बटे 18, इसको 2 बार में कट करेंगे, 20 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर दोस्तों क्या हो गया, मेरा 20 सेकेंड जो है राइट दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा देखेंगे डी। दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।